बढ़िया टेक्नोलॉजी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन एक्सेस करनी हो तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। अगर किसी मोबाइल से कोई लैपटॉप की स्क्रीन एक्सेस करनी हो तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। पर अगर आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की स्क्रीन एक्सेस करनी हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। पर आज मैं आपको एक ऐसा ऐप सजेस्ट करने वाला हूँ जिससे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की स्क्रीन एक्सेस कर सकते हो और उसे यूज करना भी है काफी आसान। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुबोधन अंत मिस्त्री, आपका टेक फ्रेंड। लेट्स डू इट। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एनी डेस्क। आपको प्ले स्टोर पर जाके एनी डेस्क सर्च करना है और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, पर आप आपके एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन एक्सेस नहीं कर पाओगे, पर आप आपके आईफोन से कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल एक्सेस कर पाओगे। तो आप ऐप स्टोर पर जाके भी ये एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो आईफोन पे। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और देखिए, ऑटोमेटिकली आपका ये की यहाँ पे एक जनरेट हो चुका है और ये रिमोट डेस्क का की यहाँ पे आपको पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेशन पहले ही इंस्टॉल करके रखा है, तो अगर मुझे ये मोबाइल की स्क्रीन एक्सेस करनी है तो ये की मुझे यहाँ पे रिमोट डेस्क में डालनी है। अगर मुझे ये मोबाइल यहाँ पे एक्सेस करना है तो ये की मुझे यहाँ पे डालनी होगी। तो देखिए, इस मोबाइल की जो की है वो मैंने वहाँ पे एंटर की है और मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे वो परमिशन पूछेगा कि एक कोई मोबाइल मेरा मोबाइल एक्सेस करना चाहता है तो उसे परमिशन दूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर अलाउ करता हूँ। तो देखिए, एक्सेप्ट करने के बाद एक्चुअल में वो मेरी स्क्रीन वहाँ पे दिख रही है। अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट्स करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ तो वो भी वहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए, मेरे मोबाइल से मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन एक्सेस करता हूं। तो मेरे लैपटॉप की जो पूरी स्क्रीन है मुझे यहां पे दिखाई देगी और उसे मैं यहां से एक्सेस भी कर सकता हूं। तो इस तरह से आप आपके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की स्क्रीन एक्सेस कर ही सकते हो। पर उसके अलावा अगर आपको आपके लैपटॉप से आपके मोबाइल की स्क्रीन एक्सेस करनी है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो, या आपके मोबाइल से आपके लैपटॉप की स्क्रीन एक्सेस करनी है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप क्लाइंट सपोर्ट के लिए या किसी को भी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में डालिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय टेक्नोलॉजी।